शुक्रवार को रिलीज हुई श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ओपनिंग की है। काफी समय से श्रद्धा और राजकुमार इस फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी थे, ऐसे में सफल प्रमोशन के जरिए फिल्म की स्टार कास्ट दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने में कामयाब रही है। बता दें कि ये इस हॉरर कॉमेडी फिल्म है। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स के काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। ऐसे में पहले दिन शानदार ओपनिंग करते हुए इस फिल्म ने 6.82 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन सभी के साथ साझा किया है। माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म और भी शानदार कमाई करने वाली है। फिल्म के इस प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को सभी बधाइयां दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में राजकुमार, श्रद्धा के अलावा पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। क्लाइमैक्स में श्रद्धा एक बस में जा रही होती है और इस दौरान कुछ होता है और फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स के बाद भी दर्शक श्रद्धा के रोल के बारे में कंफ्यूज हैं। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने कहा है कि ये कोई डायरेक्टर या फिल्म के लेखक की गलती नहीं है जो दर्शकों को कंफ्यूज कर रही है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि दर्शकों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए टीम स्त्री का सीक्वल बना रही है। एबीपी न्यूज ने इसे 4 स्टार देते हुए लिखा है, ये फिल्म आपको डराते डराते खूब हंसाती है। करीब 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक आपको एंटरटेन करती है। फिल्म के सबसे डरावने सीन में भी आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे। सभी एक्टर्स ने उम्दा अभिनय किया है। हर कैरेक्टर असली लगता है। एक और खास बता ये है कि हॉरर के साथ साथ कहानी में सस्पेंस भी बना रहता है। यहाँ ना तो जबरदस्ती डराने की कोशिश की गई है और ना ही इसकी कॉमेडी नॉनसेंस है। यहाँ पे लोग डरते हैं रात को घर से निकलने के लिए, इस डर से कि शायद स्त्री उन्हें उठा के ले ना जाए। तुम्हें डर नहीं लगा स्त्री से? डर नहीं, स्त्री से क्या डरना है? नहीं, वैसे भी आपसे मिलने के लिए स्त्री क्या, हम तो स्त्री की मम्मी से भिड़ जाए तो भिड़ने से ज्यादा है। पता आज तो आपके चक्कर में हम बिट्टू जना से भिड़ गए, बोल लेते आप है नहीं असली में, मान ही नहीं रहे हमारी बात।